तुम कहाँ हो तुम मेरा नाम है मिस्टर इंडिया मिस्टर <laughs> <laughs> इंडिया <laughs> <laughs> चेल चेल। खुश हुआ क्या होता है सिनेमैटिक यूनिवर्स क्या मिस्टर इंडिया बनेगी अपनी सिनेमैटिक यूनिवर्स चलिए बात करते हैं सिनेमैटिक यूनिवर्स की आपने भी आजकल न्यूज़ में या कहीं ना कहीं ये वर्ड सुना ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम एम से रिलेटेड फिल्मों में तो क्या है ये सिनेमेटिक यूनिवर्स इसे सिंपल वे में समझते हैं एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए ख़त्म कहानी कहानी सिंपल है एक राजा यानी हीरो और रानी यानी नायिका की कहानी अधिकतर फिल्मों में हमें यही देखने को मिलता है नायक और नायिका की कहानी जिसकी मोस्ट ऑफ द टाइम एक हैप्पीली एंडिंग होती है या फिर हैप्पीली एवर आफ्टर का नोट हमें मूवी के एंड में देखने को मिलता है पर क्या हुआ राजा रानी के बच्चों का कहानी के और किरदारों का क्या सच में में राजा रानी की कहानी में उसके बाद कोई मोड नहीं आया या फिर हो गया तलाक राजा रानी का जब हम इतने सवालों का जवाब ढूंढते हैं तो इसके जवाब में हमें मिलता है स्पाइन ऑफ यानी हर किरदार की अपनी स्टोरी लाइन और जब इतने किरदारों की कहानी हम सब एक साथ जोड़कर देखते हैं तो वो कहलाता है सिनेमैटिक यूनिवर्स जहा हर किरदार दूसरे किरदार से जुड़ा हुआ होता है और एक की कहानी के असर दूसरे की कहानी पर पड़ता है इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है एम यानी मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स फिलहाल इंडिया में भी सिनेमैटिक यूनिवर्स का काम चल रहा है जैसे कि रोहित शेट्टी की सुपरकॉप सिनेमैटिक यूनिवर्स पर अभी इंडिया को एक साईफाई सिनेमैटिक यूनिवर्स की जरूरत है जो एमसीयू को टक्कर दे सके इंडियन ऑडियंस भी इसी इंतज़ार में है कि उन्हें कब अपना देसी सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिलेगा और ऑडियंस की साईफाई फिल्म के लिए बढ़ती डिमांड को भी देखते हुए फिल्म मेकर सुभाष कपूर ने बना लिया है मिस्टर इंडिया टू बनाने का मन जी हाँ नाइनटीन में रिलीज हुई मिस्टर इंडिया एक क्लासिक साईफाई फिल्म के तौर पर उभरी फिल्म काफ़ी हिट रही लोग इसके सेकंड पार्ट के लिए काफ़ी ज्यादा एक्साइटेड भी हैं पर शायद उस समय की टेक्नोलॉजी के अनुसार इसका सीक्वल बनाना बहुत मुश्किल रहा होगा पर जैसा कि हमने सिनेमा के अंदर वीएफएक्स और न्यू टेक्नोलॉजी का जलवा देखा ही है आज के टाइम पर कोई कोई भी इमेजिनेशन को बड़े पर्दे पर उतारना मुश्किल नहीं है ऐसे में मिस्टर इंडिया टू में दिखेंगे एक से बढ़कर एक कारनामे और साथ ही और भी ज़्यादा ताकतवर होंगे मिस्टर इंडिया के दुश्मन और उनसे लड़ने के लिए उभरेंगे नए किरदार जो करेंगे मिस्टर इंडिया की मदद यानी क्रिएट होगी मिस्टर इंडिया का अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स क्या नाम होगा इस टीम का और क्या होगा आगे इस फिल्म में ये तो वक्त ही बताएगा आप हमें यह बताए अगर आप सुपर हीरो होते तो क्या नाम होता आपकी सुपर टीम का